दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट डिजीज पर है बिल्कुल दोस्तों, जिससे कि बहुत लोग ग्रसित है, स्पेशली लेडीज। और इसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है बिल्कुल दोस्तों। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका परमानेंट क्योर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी गठिया बात की होम्योपैथिक दवाइयाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, एलोपैथी में जो इसका मैनेजमेंट है ना, स्टेरॉइड्स दिया जाता है जो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं स्टेरॉइड के, किडनी विडनी के ऊपर है ना साइड इफेक्ट होता है, शरीर फूल जाता है और आपको आपको सिर्फ दर्द में रिलीफ मिलता है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो टेम्पररी मैनेजमेंट है। पहले हम ये समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या, यानी सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्या गठिया बात के लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी इसका सिम्टम होता है दर्द। दर्द कहाँ पे? जॉइंट्स में। बिल्कुल, जॉइंट में दर्द होता है, साथ साथ में सूजन रहती है यानी स्वेलिंग रहती है, और साथ ही जॉइंट्स जो है वो लाल हो जाते हैं यानी वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जॉइंट सबसे पहले छोटे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स, जैसे ये जो उंगलियों के जॉइंट्स हो गए या पाँव में जो उंगलियां हैं उसके जॉइंट्स हो गए, ये छोटे जॉइंट्स है, ये शुरुआती स्टेज होता है, शुरुआती स्टेज है। एक खास बात ये रहती है कि जॉइंट्स दोनों साइड के इफेक्ट होते हैं। अगर राइट हैंड इफेक्ट हुआ है तो लेफ्ट हैंड भी इफेक्ट होगा। ये एक डिफरेंस है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में और दूसरे अर्थराइटिस में। जैसे अगर मान लीजिए वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें हड्डी घिस जाती है, तो वो एक साइड भी हो सकता है या दोनों साइड भी हो सकता है, और वो बड़ा जॉइंट को इफेक्ट करता है पहले, पर ये छोटे जॉइंट उसके बाद बड़े जॉइंट में आता है। जैसे मान लीजिए रिस्ट जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, फिर शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, ना बड़े जॉइंट्स फिर बाद में आते हैं। यानी ये छोटे तौर पर शुरुआत होता है, छोटे जॉइंट्स को पहले इफेक्ट करता है, फिर ये जैसे जैसे बढ़ती है बीमारी वैसे वैसे बड़े जॉइंट भी इसमें इफेक्ट होते जाते हैं। कई बार जॉइंट्स के अलावा आपके मसल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं और भी ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट, किडनीज, लंग्स, या ब्लड वेसल्स हो गए, या मसल्स हो गए, या आपको आईज भी इफेक्ट हो सकती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जॉइंट को जब ये इफेक्ट करता है तो जैसे हमने बताया कि छोटे से बड़े जॉइंट में ये जाता है। बिल्कुल। और जब ज्यादा बीमारी बढ़ती है तो क्या होता है कि जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आने लगती है। बिल्कुल। ये एक बहुत हायर ग्रेड का रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जहाँ पे जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आने लगती है, यानी जॉइंट्स आपके टेढ़े बाके आड़े तिरछे हो जाते हैं। बिल्कुल। एक मेजर सिम्टम रूमेटॉइड अर्थराइटिस का है स्टिफनेस, जिसको आप अकड़न जकड़न भी बोल सकते हैं, खास करके सुबह के टाइम पर देखी जाती है, ठंड के मौसम में भी ज़्यादा रहती है। ऐसा जकड़न या स्टिफनेस जो आधे घंटे से कम है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं हो सकता, मिनिमम आधा घंटा होना चाहिए। ज़्यादातर टाइम तो और भी ज़्यादा होता है, एक घंटा डेढ़ घंटे तक स्टिफ रहता है, आप उठते हैं और पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जिन जॉइंट्स में आपको इफेक्ट ऑलरेडी हो रखा है वो जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ होंगे, मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आएगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुबह के टाइम पे होता है, अगर आप बहुत देर तक कहीं बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, यानी प्रोलॉन्ग्ड टाइम इनएक्टिविटी रहती है, उसके बाद भी ये हो सकता है। जैसे आप चेयर पे बैठ गए आधा घंटा, उसके बाद जकड़ गया जॉइंट। अच्छा, एक और मेजर सिम्टम है जिसको ओवरलुक किया जाता है, ज्यादा बोला नहीं जाता, वो है फटीग, यानी सुस्तपन। पूरे बॉडी में एक लेजीनेस सा रहता है, एक एनर्जी नहीं रहती है, आपको काम करने का मन नहीं लगा रहता है, एक मन करता है कि सारे दिन बेड पे लेटे रहे, इस टाइप की फटीग, एक फिजिकल फटीग जो है वो डेवलप हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन होता है इसमें, तो कई बार हम फीवर भी देखते हैं, बुखार भी देखते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमेशा फ्लेयर्स में आती है। जैसे मान लीजिए दर्द उठा, आपको बोलते हैं बात का दर्द उठा फिर वो शांत हो जाता है, कम हो जाता है। वो कुछ देर के लिए भी रह सकता है या कुछ दिन के लिए भी कुछ दिन के लिए भी रह सकता है, फिर वो उठता है, तब उठता है तो फिर भयंकर उठता है, फिर वो शांत हो जाता है, तो इस तरह से वो एपिसोडिक होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। चलिए अब हम दोस्तों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आते हैं, या होम्योपैथिक दवाइयाँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। सबसे पहली और टॉप ग्रेड मेडिसिन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कॉस्टिकम। कॉस्टिकम का जो पर्सनैलिटी है दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि क्यों रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है और कैसे जड़ से ठीक हो सकता है, कैसे ये माइंड से कनेक्टेड है। कॉस्टिकम एक ऐसा बंदा है ना जो बहुत ही आइडियलिस्टिक पर्सन है। आइडियलिस्टिक मतलब हो गया
कि सही और गलत में उसको, अगर एक एक शब्द एक लाइन में बोले कि वो गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी कोई भी चीज जो मॉरली या लीगली गलत हो, कॉस्टिकम का जो पेशेंट है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके अगेंस्ट में आवाज उठाएगा। तो इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट। साथ ही साथ ये बंदा बहुत केयरिंग होता है, बहुत सिंपैथेटिक होता है, दूसरों के लिए रोता है दोस्तों, दूसरों के लिए इसके आंसू निकल आते हैं, यानी किसी को तकलीफ में देख के। जैसे बहुत एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे दो तीन लोग हैं, आप दो तीन दोस्तों का ग्रुप है, आप लोग ऐसे ही रोड पे चल रहे हैं, आपने देखा किसी की, किसी बेगर की या किसी की बहुत थोड़ी दयनीय पोजिशन में है, वो थोड़ी हालत खराब है, तो उसमें कुछ लोग होंगे जो कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बट एक पर्सन ऐसा होगा जो उसकी तरफ देखता रहेगा और एक मन में एक बहुत ज्यादा सिंपैथी आएगी उसके अंदर, हो सकता है उसके आंख से आंसू भी निकल जाए, आंसू भी निकल जाए, वो उसकी मदद करे, साथ ही साथ उसको वहां पर लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मेरे देश के लोग इस तरह से इस हालत में, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई बच्चे किसी सपोज कुत्ते को पत्थर मार रहे हैं, हाँ। तो अगर कॉस्टिकम का कोई पेशेंट वहां से जा रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, बच्चों को डांटेगा या जो भी अपनी तरफ से जो कर सकता है, जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ अपने जितना हो सकता है उससे वो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएगा। वो तो क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, कोई भी पर्सन कॉस्टिकम का है जो कि ये जो इनजस्टिस है जिसके खिलाफ वो आवाज उठाना चाहता है या उठा रहा है, अगर वही चीज उसकी सप्रेस हो जाए या किसी कारण से वो आवाज नहीं उठा पाता है, बिल्कुल, ज्यादातर ऐसा लेडीज में देखा जाता है, लेडीज में देखा जाता है, क्योंकि हमारा जो घर का या जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा है कि लेडीज जो है ना वो अभी धीरे धीरे तो ये चीज ठीक हो रहा है, बट पहले क्या था कि काफी सप्रेस थी, आप आवाज नहीं उठा सकते, आप बोल नहीं सकते है ना, तो वो जो अंदर ही अंदर आप सही गलत को समझ रहे हैं, आप बहुत सेंसिटिव है पर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, आप चाहते हैं आवाज उठाना, आप चाहते हैं बोलना, लड़ना, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो अपने अंदर खुद से वो लड़ने लगता है कि ये गलत है, मैं कैसे गलत को सहन कर सकता हूँ, है ना, मुझे इसके लिए आवाज उठानी चाहिए पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उसका जो मूवमेंट है ना वो रुक जाता है, मतलब वो जो मूवमेंट है उसका वो रुक जाता है, और मूवमेंट समझ लीजिए कि मूवमेंट जो है वो रुक गया, तो ये जो जॉइंट्स है ना वो इफेक्ट हो गए, जॉइंट्स का मूवमेंट रुक गया, स्टिफनेस डेवलप हो गया जॉइंट्स में, अब जॉइंट को वो मूव नहीं कर पा रहा है, यानि? तो अब देखिए जो प्रॉब्लम है ना वो तो मेंटल एस्पेक्ट में है, उसके उसके जीवन में जो परिस्थिति है ना उसके कारण से जो उसका मूवमेंट है वो बंद हो गया, बिल्कुल, वो जो फ्री फ्लो है ना एनर्जी का फ्लो वो रुक जाता है, तो वहां पे वो स्टिफनेस हो जाता है, मूव नहीं कर पा रहा हूं मैं कुछ करना चाह रहा हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो खुद से जो एक लड़ाई है ना, तो जो सेल्स हैं वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, कि हमने क्या बताया था कि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, ऑटो इम्यून मतलब आपका सेल्स आपके अगेंस्ट ही लड़ने लगते हैं, तो अभी आप समझ रहे हैं कि कैसे ये अपने आप ही लड़ने लग जाते हैं अंदर ही अंदर, तो धीरे 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 उसके सेल्स जो है उसी के अगेंस्ट टर्न हो जाते हैं और वहां पे वो आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। जैसा हमने बताया थोड़ी देर पहले कि ये लेडीज जो होती है हमारे इंडिया में वो ऐसे माहौल में ज्यादातर रहती है जहाँ पे वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसीलिए आप देखेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज्यादातर लेडीज को ही होता है। बिल्कुल दोस्त, तो दोस्तों दो डोज लेना है कॉस्टिकम 200 का सुबह खाली पेट में, दो दिन, डीप एक्टिंग, बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है, तो दो डोज लेके छोड़ दीजिए, फिर वो काम करती रहेगी, एक डेढ़ महीना जाने दीजिए, इम्प्रूवमेंट नोटिस करेंगे आप, फिर हो सकता है रिपीट करना पड़े। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, रस्टक्स। बिल्कुल, रस्टक्स भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो कि रेगुलर बेसिस पर हम क्लिनिक में आरए के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों रस्टक्स का जो मेन सिम्टम है ना, जो कोर सिम्टम है रस्टक्स का, वो है पेन ऑन फर्स्ट मूवमेंट। जब आप मूव करते हैं, आप आधे घंटे बैठे हैं या सुबह जब आप उठते हैं और जब आप चलना शुरू कर रहे हैं तब आपको दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि जकड़ गया है शरीर में, अकड़न आ गई है, जकड़न आ गई है जॉइंट्स में, उसके कारण से आप जो मूव कर रहे हैं तो दर्द होता है, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में टिपिकल ये सिम्टम है। दर्द होता है साथ साथ में स्टिफनेस भी बहुत रहता है, तो चूंकि स्टिफनेस, आपका बॉडी स्टिफ है प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी के बाद स्टिफनेस आ गया है, और फिर आप अचानक जब मूव, जैसे आप बैठे हैं या लेटे हैं, फिर आप उठ के चलने की जब कोशिश करते हैं उस टाइम पर एक बार बहुत भयानक या बहुत सीवियर पेन होता है, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा
चलते हैं, बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट आता है आपके, वो पेन थोड़ा सा कम होता है। बिल्कुल, इसका जो स्टिफनेस रहता है रस्टॉक्स का वो कॉस्टिकम के जितना नहीं रहता है, बट रहता है स्टिफनेस, और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी ज़्यादा रहता है, ठंड के मौसम में भी ज़्यादा रहता है, बारिश के मौसम में ज़्यादा रहता है। रस्टॉक्स का जो पेशेंट है ना, इसका रस्टॉक्स का जो कोर है वो भी है सेल्फलेसनेस। ये बहुत ही सेल्फलेस बंदा है रस्टॉक्स, अपने परिवार वालों की बहुत चिंता करता है, अपने आसपास वालों की बहुत चिंता करता है। कॉस्टिकम जितना नहीं है बट फिर भी ये काफ़ी चिंता करता है। तो इसमें भी ऐसी प्रॉब्लम आती है मेंटल लेवल में, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आने के बाद इसको आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो अगर आपको लगता है कि रस्टॉक्स की ज़रूरत है आपको, तो रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में आप सुबह सुबह खाली पेट में लगातार 2 दिन लीजिए, और फिर आप नोटिस करिए धीरे धीरे आपके बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे, आपका पेन या जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। बिल्कुल दोस्तों। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसका नाम है ब्रायोनिया। बिल्कुल, ब्रायोनिया एक ऐसी दवाई है जो कि जो हमने आरए के जो टिपिकल सिम्टम्स बताए थे ना, जो इन्फ्लामेशन के टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे जॉइंट्स जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, और जॉइंट्स गर्म हो जाते हैं जो इन्फ्लामेशन में होता है, यही टिपिकल सिम्टम्स ब्रायोनिया के भी हैं। बिल्कुल दोस्तों, ब्रायोनिया में जो जॉइंट है ना, ये गर्म, एकदम गर्म होते हैं, ये लाल हो जाते हैं, इनमें बहुत दर्द, ब्रायोनिया का जो पेन है बहुत सीवियर पेन होता है। थोड़ा भी मूव करने लग जाए, ये चलने लग जाएं, बैठे हैं, रेस्ट में हैं, शांत पड़े हैं तो ठीक है, थोड़ा भी चलने लग जाए तो तड़प उठते हैं दर्द। ये ब्रायोनिया का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर वो रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट में है तो ऐसा लगता है कि वो जन्नत में, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम आराम से, लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट का सोचते भी हैं और हल्का सा भी कहीं कोई पार्ट उनका बॉडी मूव हो गया, वहीं पे उनको भयानक पेन होने लगता है। तो ये ब्रायोनिया का सिम्टम है। ब्रायोनिया भी है ना, थोड़ा सा उसको, ब्रायोनिया में जो प्रॉब्लम आती है वो बिजनेस के कारणों से ज्यादा आती है। बिजनेस में गड़बड़ हो गया ना, तब ब्रायोनिया को इस तरह का प्रॉब्लम। ब्रायोनिया एक बिजनेस माइंडेड आदमी है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बिजनेस माइंडेड है, तो वहां पे दिक्कत आने से उसको इस तरह की प्रॉब्लम। अगर उनका बिजनेस एकदम अच्छा चल रहा है तो ब्रायोनिया पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जहाँ उनके बिजनेस में लॉस होता है या बिजनेस में जहाँ प्रॉब्लम आती है, वहीं से ब्रायोनिया पे जो बंदा होता है उसको प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। बिल्कुल, साथ ही साथ ब्रायोनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि उनकी प्यास जो होती है पानी की बहुत ज्यादा होती है। एक बार में वो जब पानी पीते हैं तो एक बार में 1 ग्लास 1.5 ग्लास 2 ग्लास इतना पानी वो एक बार में पी लेते हैं। बिल्कुल 200 पोटेंसी में आप लीजिए, वही सेम प्रोसेस है, 2 दिन लगातार आपको लेना है, 2 बूंद सुबह खाली पेट में, और फिर जो पॉजिटिव चेंजेस है वो आप ऑब्जर्व करिए, और जैसे अगर आपको लगता है कि चेंजेस आने बंद हो गए हैं, अब दोबारा 2 डोज रिपीट कर लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, और हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है रोडोडेंड्रॉन। बहुत ही शानदार मेडिसिन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। अगर ये नेचर है रोडोडेंड्रॉन का, तो ये मेडिसिन जो है ना, ये बहुत डीप एक्टिंग है और ये बिल्कुल जड़ से ठीक कर देगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है रोडोडेंड्रॉन के, जो पेशेंट होते हैं ना, काफ़ी नरम स्वभाव के होते हैं, थोड़े नर्वस होते हैं, है ना, थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, हम्बल होते हैं, तो इनको है ना, जो जब जो जिसको हम बोलते हैं स्टॉर्म या बारिश के टाइम पर जब बिजली बहुत ज़्यादा कड़कती है या बिजली जोर जोर से चमकती है, जो थंडर स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, हाँ, स्टॉर्म, बिजली चमकने से पहले भी जो एक माहौल बनता है ना स्टॉर्म का, है ना, वो जो माहौल बनता है ना, उस टाइम पर इनको प्रॉब्लम चालू हो जाता है, उस टाइम से इनकी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। इनको, इनका जो पेन है वो बढ़ जाता है, सडनली बढ़ जाता है, वो माहौल जैसे ही वो सेंस करेंगे कि अभी झड़ तूफान आने वाला है, तभी से उनको प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। फिर जब बिजली बिजली चमकती है तो और ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत डरते हैं उससे। तो ये उसका एक मेन, ये एक टिपिकल सिम्टम है जो कि आप रोडोडेंड्रॉन के पेशेंट्स में देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम। ये इसके और भी कुछ सिम्टम्स हैं रोडोडेंड्रॉन के, जैसे कि स्वॉलन जॉइंट्स, जॉइंट्स फूले हुए रहते हैं, और पेन जो रहता है ना काफी सीवियर, टियरिंग पेन, जैसे कुछ फट रहा हो, इस तरह का दर्द। स्पेशली राइट साइड में उनको पेन ज्यादा रहता है, इन्वॉल्व, जैसा हमने बोला आरए में दोनों जॉइंट एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, बट प्रॉब्लम जो पेन या स्टिफनेस है ये राइट साइड में इनको रोडोडेंड्रॉन के पेशेंट को थोड़ी सी ज्यादा रहती है। बिल्कुल, साथ ही साथ जब ये रेस्ट में रहते हैं तो इनका जो प्रॉब्लम होता है वो बढ़ जाता है।
बिल्कुल, ब्रायनिया के ऑपोजिट ऑपोजिट है, ये थोड़ा मूवमेंट में रहेंगे तो इनको पेन में रिलीफ रहेगा, लेकिन जैसे ये रेस्ट में गए इनको प्रॉब्लम और बढ़ जाता है, साथ ही साथ स्टिफनेस भी आ जाती है और पेन भी इनको बढ़ जाता है। और ये अगर रात को ना जब ये सोते हैं तो इनको जो पांव है ना इनको क्रॉस करना पड़ता है, पांव क्रॉस करने से इनको नींद आती है और इनकी तकलीफ थोड़ी दूर हो जाती है पांव क्रॉस करने से। अभी पता नहीं इसका रीजन क्या है बट ऐसा होता है। और ठंड के टाइम पर या बारिश वाले माहौल में ऑब्वियसली जैसा हमने बताया इनका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ वार्म्थ में यानी थोड़ी सी गर्म माहौल में इनका प्रॉब्लम जो है वो बेटर रहता है। बिल्कुल दोस्त, या अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी फीस है हमारी, आप फीस पे करिए, हम आपसे कंसल्ट करेंगे और जो भी आपके लिए सुटेबल मेडिसिन है वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो दोस्तों अगले वीडियो में और कोई टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।